सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अब अतिक्रमण किया तो खैर नहीं, बाजार हो या दुकान या फिर रेडिया, इनके पास की जमीन पर हमेशा अतिक्रमण या कब्जा देखने को मिलता है, जिसे लेकर अब बल्लभगढ़ प्रशासन सख्त हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिखाई दे रहा है ये बल्लभगढ़ का मुख्य बाजार है। देखने को तो इस बाजार में आपको भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, लेकिन इस बाजार में अब अवैध कब्जा या अतिक्रमण नाम की कोई चीज नहीं है। पिछले कुछ दिन से नगर निगम अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाने का जैसे अभियान छेड़ा हुआ है। शहर के मुख्य बाजार हो या कॉलोनी की रोड, वहां अब रेहड़ी या दुकानों के आगे कब्जे दिखाई नहीं देते। बकायदा ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार यादव ने जेई और एसडीओ स्तर के अधिकारियों को अवैध कब्जा, कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साफ तौर पर आदेश दिए हैं। अग्रसेन पुलिस चौकी इंचार्ज राजेंद्र कुमार की माने तो नगर निगम के साथ मिलकर वे बाजार को अतिक्रमण मुक्त करवा रही हैं। यही कारण है कि बल्लभगढ़ शहर का मुख्य बाजार हो या नेशनल हाईवे या फिर कॉलोनी के अन्य बाजार, सभी को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है। बाजार को एमसीएफ के साथ मिलकर खाली करा दिया गया है। जो भी अवैध कब्जे रेडी फड़ी वाले थे उनको हटा दिया गया है और आगे भी बाजार को साफ रखा जाएगा। अब बाजार बिल्कुल खाली है, आम व्हीकल आराम से आ जा सकता है, लेकिन पहले स्थिति नहीं थी। पहले पैदल चलना भी दुर्भर था, लेकिन अब बिल्कुल बाजार साफ है। रेडी फड़ी वाले सबको हटा दिया गया है। अगर कोई लगाएगा आगे उसके हिसाब नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के बल्लभगढ़ ज्वाइंट कमिश्नर अलीम कुमार यादव तथा नगर निगम कर्मचारी शहर को अतिक्रमण मुक्त करने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, जहां जहां कूड़े के ढेर लगे हुए थे वहां से भी नगर निगम ने कूड़े के ढेरों को साफ कर दिया और उनकी तरफ से 111 नंबर का पोर्टल स्टार्ट हुआ है, जिस पर अगर कोई भी आम आदमी शिकायत करे तो उसका तुरंत निवारण हो जाएगा। बल्लभगढ़ कमिश्नर और नगर निगम कर्मचारी का सपना बस यही है कि बल्लभगढ़ को अवैध कब्जा और अतिक्रमण मुक्त किया जाए। इन छह दिनों में हर दिन 1/6 हिस्सा हम बांट के और इस तरीके से हर वार्ड में काम कर रहे हैं। जितनी भी हमारी फोर्स है, जितनी भी हमारी संख्या है, पूरी मशीनरी के साथ मिलके, एनजीओज के साथ मिलके, मास्टर ट्रेनर्स के साथ मिलके, जितने भी आम जन के साथ मिलके, जितने भी हमारे एसोसिएशंस हैं, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन चाहे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, उनके सभी के साथ मिलके, हमारे जितने भी विभाग हैं, अंदर में जितनी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, सब मिलके इस काम को अंजाम दे रही हैं। खैर, अब सरकार ने शहरों को अतिक्रमण मुक्त करने का सपना सच कर लिया है। बाजार हो या नेशनल हाईवे, इस पर होने वाले अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कमर कस ली है। हर खबर हरियाणा के लिए बल्लभगढ़ से पूजा शर्मा की रिपोर्ट।